दोस्तों ये है TCL का 61B और ये है Acer का सुपर सीरीज 55 इंच लेटेस्ट 2024 एडिशन का टीवी। और इस वीडियो में हम दोनों ही टीवियों को कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा टीवी लेना चाहिए। हम अपना कंपैरिजन अलग तरीके से करते हैं। मैं बूट में बताऊंगा कौन सी टीवी पहले बूट होती है, पिक्चर क्वालिटी का नेटफ्लिक्स ला के देखेंगे, साउंड में देखेंगे। हालांकि साउंड में जरूरत नहीं है बिकॉज 80 वॉट के गीगा बेस वाले स्पीकर्स इस Acer की टीवी में लगे हुए हैं। रिमोट का कंपैरिजन करेंगे, पोर्ट्स, डिजाइन, बेजल, स्टैंड सब कुछ बताएंगे। Just watch the full video. Let's start. दोस्तों माय नेम इज उदित शर्मा एंड यू वाचिंग यूडी रावत। एंड दोनों में से कोई भी टीवी आपको पसंद आए वो खरीदनी हो तो यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसे खरीद सकते हैं। हालांकि पूरी वीडियो देखना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। सबसे पहले हम बात करेंगे बूट की, बूट स्पीड कंपैरिजन। दोस्तों यहां पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं TCL 61B 55 इंच एंड Acer सुपर सीरीज अल्ट्रा 2024 का एडिशन, इनका बूट कंपैरिजन। दोनों ही टीवियों को मैंने स्विच से बंद किया था, मैं स्विच से स्टार्ट कर रहा हूं एंड वील सी कि कौन सी टीवी पहले बूट होती है। अब रिमोट से स्टार्ट करते हैं, दोनों को सिग्नल मिल गया आई बिलीव, लेट्स चेक। ओके, दोनों टीवियों ने सिग्नल ले लिया है रिमोट से, TCL Acer लिखा भी आ गया है। वी आर चेकिंग कि कौन सी टीवी पहले बूट होती है। हालांकि दोनों ही टीवी गूगल टीवी हैं और मेरा एक्सपेक्टेशन 30 से 35 सेकंड का रहता है फ्रॉम एंड्रॉयड और गूगल टीवी बिकॉज इतना लगता ही है। लेकिन अगर कोई टीवी पहले बूट हो रही है कंपेरिजन में तो ऑब्वियसली दैट विल बी द विनर एंड वही हम यहाँ पर चेकआउट कर रहे हैं। लेट्स वेट एंड वॉच। तो दोस्तों यहाँ पे Acer स्टार्ट हुई 2-3 सेकंड की लीड से और अभी TCL अभी भी अटक रही है, अभी नहीं हुई है। Acer यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, TCL अभी भी अटक रही है। ओके लेट्स गिव इट अ सेकंड। हाँ तो TCL अब जाके स्टार्ट हुई है अच्छे से, Acer काफ़ी पहले स्टार्ट हो गई थी। तो ओवरऑल 4 से 5 सेकंड मैं कहूँगा बेहतर है हमारी Acer। दोस्तों Acer में ड्यूल प्रोसेसर दिया गया है तो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा इसमें आपको। मेरे बिलीव में दोनों में USB ड्राइव भी लगा हुआ था, आई थिंक दैट उसने थोड़ा बहुत डिले किया हो तो पता नहीं, पर ओवरऑल Acer सुपर सीरीज इज विनिंग फॉर श्योर द बूट कंपैरिजन। तो उस बूट में यहाँ पे Acer डेफिनेटली थोड़ा सा जीत रहा है, 4-5 सेकंड का ही फर्क है, लेकिन वो फर्क ओवर द ईयर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा जुड़ जुड़ के। और ऐप ओपनिंग टाइम में भी आपका एक्सपीरियंस सीमलेस रहने वाला है। यूजर इंटरफेस कंपैरिजन। दोस्तों अब यहाँ पे हम कर रहे हैं UI का कंपैरिजन, यूजर इंटरफेस जिसे कहा जाता है। दोनों ही टीवी गूगल टीवी पर बेस्ड है, फॉर यू मूवी शोज टीवी शोज एप्स लाइब्रेरी वगैरह के टैब मिल जाते हैं। हम दोनों का एंड्रॉयड वर्जन आपको चेक करके दिखा देते हैं। सेटिंग्स में जाना होता है, सेटिंग्स में जाके आपको सिंपल यहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स में जाना होता है। अबाउट में जाके आप एंड्रॉयड का वर्जन देख सकते हैं। जो हमारी नई वाली टीवी है, जो हमारी Acer सुपर सीरीज है, दैट इज़ बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 14, बिल्कुल लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। दोस्तों Acer में एंड्रॉयड 14 होने की वजह से बहुत सारे AI फीचर्स भी इंट्रोड्यूस कराए गए हैं एंड ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा बेटर होने वाला है एंड्रॉयड 12 से। एंड ओवरऑल एफिशिएंसी एंड यूज़र इंटरफेस के साथ इंट्रैक्शन काफ़ी बेटर हो जाएगा। एफिशिएंसी मतलब कुल मिला के स्पीड, गूगल असिस्टेंट को आप खोल रहे हो, क्रोमकास्ट को खोल रहे हो, टीवी को बूट कर रहे हो, एंड ओवरऑल जो इंट्रैक्शन है यूजर इंटरफेस के साथ में वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है। जबकि यहाँ पे TCL है एंड्रॉयड 12 पर बेस्ड, जो कि ठीक है, दो वर्जन पुराना है, इतना बुरा भी नहीं है, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको बेहतर मिलने वाला है फिर Acer सुपर सीरीज में। बिकॉज दोस्तों Acer सुपर सीरीज ये इंडिया की पहली गूगल टीवी है जो एंड्रॉयड 14 के साथ में आती है, तो ऑब्वियसली आप एक्सपेक्टेशन रखते हो कि दिस यूजर इंटरफेस इज गोइंग टू बी बेटर देन एनीवन। एफिशिएंसी बढ़ाई गई है, प्राइवेसी अच्छी करी गई है, ओवरऑल एक्सपीरियंस बाकी UI का लगभग सेम सा ही रहने वाला, ज़्यादा कुछ खास अंतर है नहीं। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा सा प्राइवेसी एंड सेफ्टी एंड ओवरऑल एफिशिएंसी, एनर्जी कंजप्शन वगैरह वो सब जो बोला है वो सब थोड़ा बेटर रहेगा इस में बिकॉज ऑफ दैट एंड्रॉयड 14। बाकी टैब्स वगैरह सेम है। अगर हम यहाँ पे TCL की बात करें तो TCL में जो चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही है दैट इज़ TCL चैनल, बिकॉज दैट जो TCL चैनल है, इस TCL चैनल को बेसिकली कंटेंट को एक दूसरा UI समझ लीजिए, गूगल TV जैसा ही एक और UI है जिसमें आपको कंटेंट बाहर दिखाया जाता है, आपको किसी ऐप के अंदर नहीं जाना पड़ता है। इसमें भी अलग से टैब्स मिलते हैं, होम, लाइव, मूवीज, प्रीव्यू, सोनी लाइव, डिज़्नी प्लस, हॉटस्टार, TV सीरीज वगैरह के,
तो ये चीज़ अच्छी लगी मुझे टीसीएल में, बढ़िया है। इसके अलावा ऐप्स की बात करो तो इसमें यूज़र गाइड, टीसीएल चैनल क्विक पैनल, टीवी, टीसीएल होम, ये सेफ्टी गार्ड, ये कुछ ऐप्स जो अलग से दिए गए हैं वर्क्स विद अलेक्सा वगैरह के। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें एसर में, तो नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, सोनी लिव, ये सब ऐप्स दिए गए हैं। इसके साथ साथ दो तीन ऐप एक्स्ट्रा जो दिए गए हैं वो है मीटिंग मोड, ऑडियो कनेक्ट, मतलब टीवी के स्पीकर्स को एज ए ब्लूटूथ स्पीकर्स यूज़ किया जा सकता है, क्यों ना किया जाए भैया, 80 वॉट के बहुत ज़्यादा अच्छे स्पीकर्स लगे हुए हैं। इसके साथ साथ इसमें आपको एक एम साइन का भी मिल जाता है, टीवी मैनेजर और फास्ट कास्ट मिल जाता है, जो तीन जो जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। फास्ट कास्ट की वजह से आप टीवी में किसी भी तरह का डिवाइस लाइक फ़ोन है, आईफोन है, मैक है, या फिर कुछ भी है, विंडोज़ पीसी है, सब आप कास्ट लोकल मीडिया भी कर सकते हो, तो अच्छे से कास्ट कर पाओगे। थोड़ा सा बेहतर लगा मुझे डला आया ऐप ये। ओवरऑल यूआई दोनों लगभग सिमिलर हैं। टीसीएल होम को आप कितना यूज़ करते हो देखने वाली बात रहेगी, टीसीएल चैनल को सॉरी, बट सिर्फ गूगल टीवी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि टीसीएल चैनल 99% लोग यूज़ नहीं करते, वो वैसा का वैसा पड़ा रहता है, गूगल टीवी से बेहतर तो है नहीं ना वो। तो ओवरऑल एंड्रॉयड 14 पर बेस्ड होने की वजह से, थोड़ा सा फास्ट होने की वजह से, ऐप ओपनिंग टाइम भी बेटर होने की वजह से, मैं यहाँ पे एसर को बहुत कम मार्जिन से बोलूँगा, क्योंकि टीसीएल चैनल को अभी बुलाया नहीं जा सकता, बहुत कम मार्जिन, 19-20 का फ़र्क है, 20 वाले फ़र्क में एंड्रॉयड 14 और जो सब चीज़ों को जोड़ के एसर को विनर बता रहा हूँ, एसर विल बी द विनर इन यूआई। दोस्तों यूआई में काफ़ी हद तक टाई रहने वाला था, लेकिन थोड़ा सा एंड्रॉयड 14 की वजह से थोड़ा सा एफिशिएंसी एंड ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन वगैरह सब चीज़ बेहतर है। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं दोबारा भी बता रहा हूँ कि इंडिया का पहला ड्यूल एआई प्रोसेसर वाला आर्किटेक्चर इस टीवी में लगाया गया है, जिसकी वजह से यूज़र इंटरफेस का आपका एक्सपीरियंस और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो लोड लेने के लिए दो प्रोसेसर हैं, तो ओवरऑल फास्ट होने वाली है टीवी, इसीलिए मैं यहाँ पे एसर को जिता रहा हूँ। पिक्चर क्वालिटी कंपैरिजन, दोस्तों यहाँ पर हम कर रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन पिक्चर क्वालिटी ऑफ टीसीएल 6-1B एंड अपना एसर का सुपर सीरीज। इस सीन में आप देखोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा ब्लू दिख रहा है मुझे एसर में, ये ज़्यादा बेहतर कर, ब्लू कंटेंट, कूलर टोन ज़्यादा बेहतर थी, मुझे एसर पसंद आया। इस वाले सीन में बात करेंगे तो हाथों का स्किन टोन देखिए ज़्यादा लाल छोड़ने की कोशिश करी जा रही है टीसीएल की तरफ से, जो इतना अच्छा नहीं लग रहा है, स्किन टोन के साथ खिलवाड़ बिल्कुल अच्छी लगती। इस सीन में देखेंगे तो थोड़ा सा ब्राइटर लग रहा है टीसीएल वाला, बट उस ब्राइटनेस की वजह से पता नहीं यार, ये वाला सीन पर्टिकुलरली टीसीएल में बेहतर लगा। इस वाले सीन को एसर में थोड़ा बेहतर करूँगा मैं, बिकॉज एसर इज़ शोइंग दैट डिटेल्स इन द पहाड़, जो पहाड़ है जो ब्लैक हो जा रहा है टीसीएल में, वो वहाँ पे एसर में डिटेल्स दिख रही है। इस वाले सीन में डिटेल्स देखिए, जो ट्रेन है, मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ, ट्रेन के ऊपर जो ब्लैक छत सी है ना, उसमें आपको डिटेल्स दिखेंगी एसर में, अब स्केलिंग अच्छी हो रही है, जबकि टीसीएल में वो चीज़ ठीक है बट एसर जितनी अच्छी नहीं दिख रही है। एंड ओवरऑल साइड में भी आप देखोगे राइट साइड में ब्लैक शेडोज में डिटेल्स हैं। इस वाले सीन में देखो, ऐसा नहीं है कि ब्राइटनेस आपके मुंह पर मार के आपको खेल ख़राब किया जा रहा है, नहीं, ब्राइटनेस ज़्यादा है लेकिन उसके साथ भी एसर डिटेल्स को प्रिजर्व कर रहा है और ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट को भी बेहतर बना के ब्लैक एनहेंसर वाला जो ऑगमेंटेशन रियलिटी वाला था उसकी वजह से बेहतर दिखा रहा है डिटेल्स को। इस सीन के देखो, फेशियल वाला जो डिटेक्शन वाला एआई का फीचर था ना जो एसर में, उसकी वजह से फेशियल का कलर ख़राब नहीं हो रहा था, जबकि टीसीएल में पूरा लाल, ज़्यादा लाल हो जा रहा था, जो कि इतना अच्छा नहीं लगा मुझे। ओवरऑल यहाँ पे ज़्यादातर सीन्स में एसर जीत रहा है। इस वाले सीन में भी मुझे एसर बेहतर लगा, जो कि ग्रीन सेमन पर शुरुआत में कूलर टोन्स बेहतर दिखा रहा है डेफिनेटली एसर, जबकि टीसीएल में थोड़ा सा लालिमा जो रेडनेस होती है वो ज़्यादा घुसाई जा रही है, जिसकी वजह से, हालांकि दोनों ही डायनेमिक और विविड मोड पर सेट है। इस वाले सीन में कोई चांस ही नहीं है टीसीएल जीत जाए, को देखो वो पिंक वाला जो है ना उसमें थोड़ी सी पीलिमा दिख रही है, वो पता नहीं क्या हो रहा है यार, जबकि एक्चुअल पिंक दिखा रहा है एसर, एंड ब्लैक लेवल्स तो दोनों में लगभग बराबर सी है, इतना खास फर्क मुझे दिखा नहीं। इस वाले सीन में अगेन वही कूलर टोन वाला सीन है, डार्क जो जगह हैं जैसे राइट साइड में जो बिल्डिंग है उसके कांच की खिड़कियों में देखो थोड़ी सी डिटेल्स दिख रही हैं एसर में बेहतर, जो कि टीसीएल में नहीं दिख रही हैं मेरे हिसाब से। अब इस सीन को भी देखो, फिर से वो जो आई थिंक क्या है ये कीवी है, ये भी थोड़ा सा ग्रीन में थोड़ा सा येलोनेस दिखाई जा रही है टीसीएल में, जबकि एसर डेफिनेटली बेहतर है यहाँ पर भी। ओवरऑल मैं तो निटपिक करने वाला इंसान हूँ, मैं यूट्यूबर नहीं कहलाऊंगा अगर मैं छोटी छोटी चीज़ों को भी ना पकड़ूँ, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं ये पकड़ रहा हूँ कि डेफिनेटली फेशियल टोन फिर से भाई साहब बहुत ज़्यादा लाल कर दिया टीसीएल ने, जो कि इतना अच्छा नहीं लग रहा, जबकि एसर में उसको थोड़ा सा कूलर रखा गया है, अच्छा रखा गया, ज़्यादा लाल फेंका नहीं जा रहा। अब देखो जो पपी है उसके पीठ पर देखो आप डिटेल्स ही मिसिंग है, जबकि एसर में आपको बाकायदा फर दिखेगा, छोटे छोटे बाल दिखेंगे। डेफिनेटली एसर इज विनिंग, नॉट बाय अ ह्यूज मार्जिन, बट यस देयर इज अ मार्जिन, एसर विल डेफिनेटली विन।
यहाँ पे नेटफ्लिक्स का कंपैरिजन कर रहे हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो कंट्रास्ट आ रहा है वो ज़्यादा बेहतर आ रहा है ओवरऑल आपके एसर में, स्किन टोन्स को इम्प्रूव किया जा रहा है एआई के जरिए, वही मैं चाहता था। दोस्तों ब्राइट सीन भी डेफिनेटली एसर में बेहतर दिख रहा है, डॉल्बी विजन कंटेंट आप देखोगे भैया मज़ा आ जाएगा एसर में। डेफिनेटली वो वाइट जो टोन्स थी वो ज़्यादा ब्राइटर वाइट दिख रही थी, एंड ओवरऑल फेशियल वाला सीन तो भाई बहुत पसंद आया मुझे, कूलर टोन्स बेहतर वाली, ज़्यादा लाल नहीं फेंक रही TCL की तरह। दोस्तों पिक्चर क्वालिटी का मामला काफ़ी टफ था, डेफिनेटली टफ था, लेकिन ओवरऑल जब मैंने चेक किया तो कलर्स इसमें थोड़ा सा ना ज़्यादा रेडिश दिखाने की कोशिश करी जा रही है, वो टोन के साथ ज़्यादा खिलवाड़ करी जा रही है। लेकिन एसर की बात करें तो आपको जो फेशियल रिकॉग्निशन करके एआई के थ्रू उसको बेटर करना वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है, एंड ओवरऑल थोड़ा सा कूलर है, टोन्स को कलर्स को कंट्रोल में रखा गया है। जो ड्यूल एआई प्रोसेसर्स है ना, दैट दोज आर वर्किंग वेरी हार्ड टू गेट द बेस्ट पिक्चर ऑन दिस पैनल। दोस्तों एसर की पिक्चर क्वालिटी बेटर आ रही है, इसमें अल्ट्रा क्यूलेड का सपोर्ट दिया गया है ना, तो अल्ट्रा क्यूलेड एंड इतना अच्छा जो ब्लैक ऑप्टिमाइजर वाला उन्होंने जो लगाया ऑगमेंटेड रियलिटी वाला, उसके बाद जो ब्लैक लेवल्स के लिए ऑगमेंटेशन वाला फीचर लगाया हुआ है, जिस सबको मिला के ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी इज़ जस्ट अमेजिंग, जो मैच करना भी बहुत मुश्किल है किसी दूसरी टीवी के लिए इस प्राइस सेगमेंट में या फिर अबव प्राइस सेगमेंट में भी। हालांकि दोनों ही क्यूलेड हैं बट ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका इस समय बेहतर होने वाला है, चाहे आप नेटफ्लिक्स वगैरह पे डॉल्बी विजन कंटेंट चला रहे हैं। हमने हॉटस्टार पे चला के देखा, डॉक्टर स्ट्रेंज वगैरह की मूवी चला के देखी, वो ज़्यादा बेहतर दिख रहा था डेफिनेटली हमारे एसर के सुपर सीरीज टीवी में। साउंड क्वालिटी कंपैरिजन। साउंड में यहाँ पे कंपेरिजन करने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैंने फिर भी किया। आप डेफिनेटली एसर को ही चिताएंगे बिकॉज एसर में 80 वॉट के गीगा बेस वाले स्पीकर हैं। 80 वॉट के स्पीकर्स दोस्तों एसर में हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको बेटर ट्यूनिंग प्लस ड्यूल एम्पलीफायर ट्विटर वूफर का सपोर्ट भी दिया गया है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्प एंड बेटर साउंड करती है, उसका मुकाबला ही नहीं है क्योंकि TCL के स्पीकर्स इतने अच्छे साउंड नहीं कर रहे हैं, जबकि जो 80 वॉट के स्पीकर्स हैं वे डायलॉग क्लैरिटी, जो कि बहुत अमेजिंग लेवल की डायलॉग क्लैरिटी दे रहे हैं, उनको मैच करना भी बहुत मुश्किल है TCL के लिए, जीतना तो बहुत दूर की बात है। साफ साफ एसर के स्पीकर्स जीतेंगे, कोई मुकाबला ही नहीं है। दोस्तों साउंड में डेफिनेटली एसर जीतेगा, कोई कंपैरिजन करने की बात भी नहीं थी, तो विनर रहेगा हमारा एसर। रिमोट कंपैरिजन। दोस्तों रिमोट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो TCL का रिमोट लंबा है एंड एसर का रिमोट थोड़ा छोटा है, जबकि हॉटकीज़ की बात करें तो नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो की हॉटकी दोनों में मिल जाती हैं कॉमन, यूट्यूब की हॉटकी भी कॉमन है, हॉटस्टार की हॉटकी आपको एसर में दिखती है एंड एक्स्ट्रा हॉटस्टार की नहीं है, उसकी जगह सोनी लिप की हॉटकी दिखती है आपको TCL में, लेकिन TCL में दो एक्स्ट्रा हॉटकी दी गई हैं वेब की एंड TCL चैनल की, जो कि ज़्यादा हैंडी रहेंगी। बाकी वॉल्यूम प्लस माइनस एंड चैनल प्लस माइनस TCL में एक्स्ट्रा बटन्स मिलते हैं। ओवरऑल देखो लुक एंड वाइज एंड फील वाइज छोटा रिमोट होने की वजह से एसर का बेहतर लग रहा है, लेकिन ज़्यादा फंक्शनैलिटी एंड मेरे को ज़्यादा पसंद आया है वो है TCL का रिमोट, तो रिमोट में जीत रहा है TCL। तो दोस्तों रिमोट यहाँ पे डेफिनेटली मुझे TCL का बेहतर लगा, उसमें वहाँ पे TCL को बचाना काफ़ी मुश्किल है। डिज़ाइन कंपैरिजन। दोस्तों एसर का जो डिज़ाइन है पीछे से मेटल है और TCL का हाफ प्लास्टिक है, थोड़ा सा बाकी थोड़ा मेटल है, लेकिन ओवरऑल पीछे से भी डिज़ाइन बैक में डेफिनेटली एसर का बेहतर है। अब बेजल्स लुक वाइज देखोगे तो डेफिनेटली TCL जीत रहा है, ड्यूरेबिलिटी वाइज एसर जीत रहा है क्योंकि मेटल है, पूरा मेटल स्टैंड है, मेटल बैक है। बेजल्स में भी देखो कांच को अंदर फ्लश किया गया ना, तो थोड़ा सा बेहतर ड्यूरेबल रहेगा। पिक करना बहुत मुश्किल है लेकिन थोड़ा बहुत
सब चीजों को देख के TCL को मैं यहाँ पे जिता रहा हूँ। पोर्ट्स कंपैरिजन, दोस्तों पोर्ट्स की कंपैरिजन की बात करें तो TCL में आपको एक ही USB देखने को मिलता है, हालांकि वो USB 3.0 है, लेकिन अगर आप Acer की बात करें तो एक USB 3.0 एंड दूसरा USB 2.0 वाला भी देखने को मिलता है। ओवरऑल HDMI पोर्ट सेम है, HDDI वगैरह सब कुछ मिल जाएगा नॉर्मल, उसमें कोई अंतर नहीं है दोनों टीवियों में, लेकिन एक USB एक्स्ट्रा बहुत कम आएगा भैया। अगर आपने एक हार्ड ड्राइव कनेक्ट कर दी तो आप माउस या कीबोर्ड अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर श्योर। तो पोर्ट्स के मामले में Acer जीत रहा है। ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो TCL का डिज़ाइन और रिमोट बेहतर है, लेकिन बाकी सब चीज़ों में Acer जीत रहा है, तो ओवरऑल Acer ही जीत रहा है मेरे हिसाब से। तो अगर आपको ये खरीदना है तो अभी खरीद लेना, बिकॉज सेल के टाइम पे इसका इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक होने का खतरा पूरा है, क्योंकि पहले ही खत्म हो जाएगा 20 तारीख से रिलीज है, 6 दिन में तो पता नहीं सारे टीवी बिक जाए, ऐसा ना हो जाए। तो अभी जाके खरीद लीजिए, सेल का वेट ना करें इसके लिए, तो मैं यही कहूँगा, बिकॉज पहले से ही बेस्ट प्राइस पे, लॉन्च ऑफर में हमेशा प्राइस टीवी का कम होता है, पहले से ही वो बेस्ट प्राइस पे मिल रही है। तो यू कैन बाय इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन नाउ। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, आपके सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा। और हाँ, सेल में कोई सी भी टीवी खरीदनी हो तो यहाँ पर ये नंबर आ रहा है 6377-91221, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आपके सवाल के साथ में, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सा टीवी लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब्ड एंड चेक आउट द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।